सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछली बार कोरोना की महामारी के दौरान मैंने ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, पीपीई किट और तमाम चिकित्सीय उपकरणों में जो भ्रष्टाचार आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था उसको लेके खुलासा किया था। उस पर एक एसआईटी भी बनी थी, उसका परिणाम क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो मैं आपको के सामने सच रखने जा रहा हूं ये आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार के एक काले चेहरे को उजागर करता है और यह साबित करता है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। आज जो मैं चिकित्सीय उपकरणों में भ्रष्टाचार का मामला आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, यह भ्रष्टाचार कोरोना की महामारी में तीसरी लहर का जो अंदेशा है और तीसरी लहर में किस प्रकार से तीसरी लहर के अंदर बच्चे प्रभावित होंगे, इसका अंदेशा पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। तो हमारे बच्चों को कोरोना से बचाने की जो तैयारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को करनी चाहिए उसमें यह भ्रष्टाचार किया गया है, उसमें यह बेईमानी की गई है और यह बच्चों के वेंटिलेटर के नाम पे घोटाला है, बाईपैप के नाम पे घोटाला है, एचएफएनसी के नाम पे घोटाला है, इन्फ्यूजन पंप के नाम पे घोटाला है। ऐसे तमाम उपकरण जो बाजार में सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, यानी कि जेम पोर्टल पे भी सस्ते दामों पर मिल रहे हैं, वो सारे उपकरण आदित्यनाथ जी की सरकार महंगे दामों में खरीद रही है और आपको जान के हैरानी होगी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीद रही है। जो कंपनी काली सूची में जा चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, उस कंपनी से खरीद रही है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। यह एक आदेश किया है प्रमुख सचिव जी ने और इस आदेश में उन्होंने प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, सहारनपुर, कन्नौज, जालौन, बांदा, बदायूं, इन सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स को यह चिट्ठी गई है। इसके अलावा प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, एटा, हरदोई, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इतने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बच्चों के लिए 100-100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए जो सामान खरीदा जाना है, जो चिकित्सीय उपकरण खरीदा जाना है, उस उपकरण की जो धनराशि है वो 5,880 लाख के लगभग उसमें व्यय किया जाएगा। 5,880 लाख रुपए उसमें व्यय किया जाएगा, उसमें खर्च किया जाएगा और इसमें से राज्य आपदा मोचक निधि से 3,900 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। ये ऑर्डर में लिखा है। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या सामान ये खरीदने की बात कर रहे हैं और उन सामानों के लिए इन्होंने खुद जो मानक तय किया है वो मानक क्या है। ये सामान खरीद रहे हैं, उन सामानों में ये रेट है, हाँ, वेंटिलेटर बच्चों के लिए खरीदा जा रहा है 22 लाख रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत
12,50,000 रुपए लगभग है। वेंटिलेटर यूनिवर्सल खरीदा जा रहा है 17,11,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 9,00,000 रुपए है। बाईपैप खरीदा जा रहा है 2,73,280 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1,00,000 रुपए है। एचएफएनसी खरीदा जा रहा है 2,51,666 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 1,00,000 रुपए है। इन्फेंट वार्मर्स खरीदा जा रहा है 64,900 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 32,000 रुपए है। इन्फ्यूजन पंप खरीदा जा रहा है 44,448 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 22,000 रुपए है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीदी जा रही है 17,95,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 8,00,000 रुपए है। बबल कैप खरीदा जा रहा है 2,55,990 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 1,00,000 रुपए है। इको कलर डॉपलर खरीदा जा रहा है 23,52,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 13,00,000 रुपए है। ये बच्चों को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए आदित्यनाथ सरकार की तैयारी है या घोटाले और भ्रष्टाचार की तैयारी है? इतने संवेदनशील विषय पर इतनी लूट और भ्रष्टाचार, बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के नाम पर इतनी लूट और भ्रष्टाचार, और अभी अगर ये कहर आ जाएगी, ये महामारी टूट पड़ेगी, तो हम सब अपने घर के अपने प्रिय लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे। और तब इन घोटालों की अगर जांच होगी, तब इन घोटालों पर अगर कार्रवाई होगी, तो इससे हमें कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए अभी इन सवालों को हमें उठाना होगा और इस पर सरकार को जगाना होगा। अब मैं आता हूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वेंटिलेटर सस्ते दामों का है। मैंने सोचा अभी दूसरे किसी की बात करेंगे तो बात और बढ़ जाएगी, इसलिए इनकी सरकार की ही बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर यही वेंटिलेटर जो हमारी सरकार ने खरीदा है 22,00,000 दाम दिखाया है, 17,00,000 में खरीद हुई। अभी खरीद का भी ऑर्डर दिखाऊंगा, और ये इनको 10,27,000 में मिल जाता है। मध्य प्रदेश सरकार को यही सामान 10,27,000 रुपए में मिल जाता है। और आगे आइए, आरटीपीसीआर की एक मशीन है जो मध्य प्रदेश की सरकार को मिल जाती है 14,00,000 रुपए में। वो भी मैं ऑर्डर दिखा रहा हूं आपको, ये ऑर्डर है, ये इसकी कॉपी अभी मैं दे दूंगा। ये इनको 14,50,000 रुपए में मिल जाती है आरटीपीसीआर की मशीन। और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, ये आरटीपीसीआर की मशीन बदायूं में 49,00,000 रुपए की मिल रही है। बदायूं में ही एक मशीन, एक वेंटिलेटर इनको 35,00,000 रुपए का मिल रहा है। आरटीपीसीआर की एक मशीन आगरा में 49,00,000 रुपए की मिल रही है। और यहां पे ऑर्डर दिया हुआ है, जिस कंपनी का नाम लिखा है ये भी जरा ध्यान दे लीजिए आप, एक यहां पीयूसीटी सर्विसेज लिखा हुआ है, पीयूसीटी सर्विसेज ये कंपनी का नाम लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि ये कंपनी कौन है, जब इसकी पड़ताल की मैंने तो पता चला ये कंपनी कौन है। इन्हीं कंपनी से खरीदारी हो रही है। और ये कंपनी कौन है साहब, ये कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, जो कंपनी काली सूची में जा चुकी है, जिस कंपनी पर पहले ही
भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और ये कंपनी खुद सरकार के द्वारा जो मानक मांगा जाता है उसको ये पूरा नहीं करती। तो ये कंपनी जो पहले से ब्लैकलिस्टेड है, इसका कागज मैं अभी आपको दे देता हूँ, ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी, इसमें देखो एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑर्डर, ब्लैकलिस्टेड कंपनी, इसको आप ऑर्डर दे रहे हैं, दो दो तीन तीन गुना महंगे दामों पे ऑर्डर दे रहे हैं। और अब आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, अभी ब्लैकलिस्टेड वाला मैं दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप, ये पिछली कोरोना की महामारी का भी मैंने ऑर्डर निकाला है इनका। 200 वेंटिलेटर इन्होंने खरीदा था 27 मार्च 2020 को, ये देख लीजिए आप, 27 मार्च 2020 को। और इसमें जो जो दिया गया है, इसमें जो वेंटिलेटर का रेट दिया गया है 10 लाख रुपए, ये 17 लाख रुपए। 27 मार्च को उत्तर प्रदेश की ही सरकार 17 लाख रुपए में खरीद रही है। अब बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर आ रहा है उसको 22 लाख रुपए का रेट ये लगा रहे हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार, इनकी ही एक दूसरी सरकार, 10,27,000 रुपए में यही वेंटिलेटर खरीद रही है, बीजेपी की ही सरकार। आरटीपीसीआर की मशीन मध्य प्रदेश में 14.5 लाख में खरीद रही है, यहां आदित्यनाथ जी की सरकार 49 लाख रुपए में खरीद रही है। ये आप देखिए, ये 200 वेंटिलेटर का पिछली बार ही इन्होंने महंगे दामों पे इसको खरीदा। अब आ जाइए, ये कंपनी जो पीयूसीटी जिसको ऑर्डर दिया गया है, इस कंपनी के बारे में लिखा है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द टेंडर यू आर ब्लैक लिस्टेड विथ इमीडिएट इफेक्ट एज पर प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज ऑफ HBPCL। HBPCL कौन है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक अंडरटेकिंग कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की अंडरटेकिंग कंपनी ने जिस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया, उसको आदित्यनाथ जी की सरकार वेंटिलेटर का ऑर्डर दे रही है बच्चों के लिए, HFNC का ऑर्डर दे रही है, इन्फ्यूजन पंप का ऑर्डर दे रही है, RTPCR मशीन का ऑर्डर दे रही है। कितनी दलाली और भ्रष्टाचार खा रहे हैं आप लोग? कोरोना की महामारी में, शमशान में दलाली खाने का सिलसिला रुकेगा कब? कितनी बेईमानी करने के बाद आप लोगों का पेट भरेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चे आपसे पूछना चाहते हैं, कब उनके नाम पे दलाली और भ्रष्टाचार रोकोगे आप? वो सवाल कर रहे हैं आपसे। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो महाराष्ट्र में हो चुकी है, उसके साथ आप पूरा ये मिलके खेल कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब तुरंत आदित्यनाथ जी की सरकार को देना चाहिए। तो ये सारा मामला था, इससे संबंधित तमाम जो कागजात हैं वो अभी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। ये सरकारी ऑर्डर है और इस ऑर्डर में ही बाकायदा कंपनी का भी नाम दिया गया है। तो खुला खेल फरुखाबादी, खुलेआम भ्रष्टाचार, खुलेआम। तो इसलिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरोना की महामारी के नाम पर भी आदित्यनाथ जी की सरकार कभी ऑक्सीमीटर में दलाली खा रही है, कभी थर्मोमीटर में दलाली खा रही है, कभी शमशान की लकड़ियों में दलाली खा रही है, कभी ऑक्सीजन के सिलेंडर के नाम पे दलाली खा रही है, और अब इन 10 सामानों का जिसका मैंने जिक्र किया बाजार में सस्ते दाम पे उपलब्ध हैं, इनकी ही एक दूसरी सरकार मध्य प्रदेश में सस्ते दाम पे खरीद रही है, और उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार जो अपने ईमानदारी का दावा ठोकती है, वो 14.5 लाख का सामान 49 लाख में खरीद रही है, वो 10 लाख का सामान
22 लाख में खरीद रही है, वो भ्रष्टाचार में आकंठ ऊपर से लेकर नीचे तक डूबी हुई है। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। भैया ये वोट वोट का मामला नहीं है, ये बच्चों का मामला है। आज मैं वोट के विषय में कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि पिछली बार भी मैंने कोरोना की महामारी में ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर में भ्रष्टाचार का घोटाला का खुलासा किया था। अभी मैंने फिर दिखा दिया कि 200 वेंटिलेटर 17 लाख में खरीदे गए हैं, और आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से कागज सहित दिखा दिया कि जो सामान इनकी ही बीजेपी की सरकार सस्ते में खरीदती है, वो सामान ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना महंगे दामों में खरीदते हैं। तो ये बच्चों के नाम पे कोरोना की महामारी की तैयारी आप कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार और लूट की तैयारी कर रहे हैं? आप कुछ पूछ रहे हैं। लास्ट टाइम जब आपने सवाल उठाया था तो सदन में कहा था कि आम आदमी पार्टी और जो उस समय ऑक्सीमीटर खरीदे गए वो बाजार मूल्य में जिस रेट पर थे उसी रेट पर थे। मैंने तो 50 कागज दिखा दिए थे आपको, यहाँ तक कि अपने जेब से पैसा खर्च करके खरीद के आपको दिखा दिया था, स्लिप सहित दिखा दिया था। अब आप बोले तो मैं फिर से सारे वो कागज आपको दे सकता हूँ। और अगर मेरे आरोप झूठे थे तो 3-4 DPRO क्यों हटाए गए थे, क्यों सस्पेंड हुए थे, आप बताइए मुझे, क्यों जिला अधिकारियों पे कार्रवाई की थी? मैं तो व्यापक कार्रवाई की मांग कर रहा था, जिसपे इन्होंने SIT भी बनाई, लेकिन किया कुछ नहीं। थैंक यू। अब यही मांग है कि ये सारे जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं इस पे कार्रवाई करे सरकार। और क्या खरीदिए, यही मांग है, और क्या मांग है? सर, एक सवाल सर, जैसा कि इस महामारी में देखा गया कि जगह जगह जितने भी CHC केंद्र हैं वहां पे कहीं भूसे भरे तो कहीं उपले भरे मिले, तो आप हर पार्टी के लोग ये दावा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र के कोने कोने में है, तो आपने कभी क्या आप या आपके कार्यकर्ता ये सवाल कभी नहीं खड़ा कि इस महामारी के पहले स्वास्थ्य केंद्रों की इतनी बदहाली हुई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पता नहीं सर, आप पहली बार आ रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने तो बार बार कहा है स्वास्थ्य की अव्यवस्था को लेके एक नहीं 1000 सवाल उठाया मैंने, शिक्षा की अव्यवस्था को लेके, स्कूलों की बदहाली को लेके। हम लोग तो जा रहे थे स्कूल देखने, हमें और मनीष सिसोदिया जी को रास्ते में रोक लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो हम तो अगर आप बताइए क्यों सोमनाथ भारती को अंदर किया था, यही तो कह दिया था उन्होंने, और आप लोगों के वीडियो दिखाने के आधार पे कहा था कि अस्पताल के बेडों पर कुत्ते बैठते हैं, आप ही लोगों ने चलाया था खबरें, जहां पे डॉक्टर बैठते हैं वहां पे कुत्ता बैठ जाता है। तो ये हालत उत्तर प्रदेश की अस्पतालों की है, और इस पे हम सवाल उठाते रहे हैं। सवाल उठाने का खामियाजा ये होता है कि मुकदमे लिख दो, जेल भेज दो, उसके लिए भी हम तैयार हैं, कोई बात नहीं।